રાજનીતિનો ગંદોકેલ ગુજરાતની ભાજપ સરકાર કરે છે. ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા વિરુદ્ધ થયેલો કેસ ખોટા ગણાવતા આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ કાર્યકારી અધ્યક્ષ કૈલાસદાનભાઈ ગઢવી. નમસ્કાર મિત્રો, રાજનીતિ કા ગંદા ખેલ ઓર ગુજરાત બીજેપી કા નંગા નાચ ચાલુ હો ગયા હૈ. જિસ તરીકે સે આમ આદમી પાર્ટી કે બાહોશ એજ્યુકેટેડ ઓર आदिवासियों की हक की लड़ाई लड़ने वाले चैतर वसावा पर डेडियापाड़ा में केस हुआ है, ये पूरे के पूरे राजनीतिक प्रेरित है. क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि किसान वहाँ जो आदिवासी उसके पास में जल जंगल जमीन का हक है, उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं. खुद 2005 में सरकार की तरफ से फॉरेस्ट विभाग की तरफ से उस किसान को वहाँ खेत जोतने का हक दिया गया था और उस किसान ने वहाँ पे कपास का खेती किया और ये फॉरेस्ट वाले जाकर उस कपास को तोड़ के काट के चले आए, जिसे किसान को नुकसान हुआ और उस नुकसान को भरपाई करने के लिए वहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे एमएलए चैतर वसावा ने अधिकारी को बुलाया, उनको कहा कि आप इसको कंपनसेशन देना चाहिए क्योंकि आपने किसान का नुकसान किया और किसान ने कोई इलीगल काम नहीं किया है, क्योंकि आपने उस जमीन का हक उसको दे रखा है. काम खत्म हो गया, कंपनसेशन दे दिया गया, वो अधिकारी लेने वाले देने से फोटो खिंचाए, हंसी हंसी सब छुटे पड़े और बीजेपी का शैतान दिमाग फिर से कैसे चैतर वसावा जो भविष्य का गुजरात का सांसद है और बीजेपी को मालूम है कि इस बार 26 जीतने नहीं तो भारत की सरकार नहीं बनेगी, तो क्यों आम आदमी पार्टी 4-5 सीट ले जाए गुजरात के लोकसभा में. इस डर से बचने के लिए उन लोगों ने चैतर वसावा पर केस किया, उसके परिवार पर केस किया, उसके पीएस पर केस किया. अब ये लड़ाई लड़ने अब गुजरात की लड़ाई नहीं है, अब ये जय भीम की लड़ाई है, ये जोहार जय जोहार की लड़ाई है और जय बिरसा मुंडा की लड़ाई है. जहां जल जंगल और जमीन का हक मांगने और रखने वाले आदिवासियों से आप भारतीय जनता पार्टी सरकार अन्याय कर रही है और इस अन्याय में हम आम आदमी पार्टी के हर एक सैनिक लड़ेंगे. पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से और हम इन आदिवासियों को न्याय दिला के रहेंगे. उनकी दर एक लड़ाई में हम खड़े रहेंगे और चैतर वसाव के साथ हमारी पूरी आम आदमी पार्टी खड़ी है. हम इस सरकार के झूठे केस इसी घटना के 3 दिन के बाद केस किया, केस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करने से मना कर दिया, तो एसपी ने एलसीबी थ्रू केस किया. जो प्रोसीडिंग पार्ट में कहीं भी एक लीगल केस होने की जगह लीगल केस खड़ा करने की बात बताती है. जय जोहार. ग्राहकों नो संतोष एज निशांत सटनी साची मुड़ी छे. વ્યાજબી ભાવ, ઉચ્ચ ગુણવત્તા સાથે ગ્રાહકનો જીતેલો વિશ્વાસ. શર્ટ, ટ્રાઉઝર્સ, જીન્સ, ટી શર્ટની કાયમી વિશાળ રેન્જ તેમજ તેની સાથે સમય અને પ્રસંગોને અનુરૂપ અવનવી વેરાયટી માટેનું એકમાત્ર સ્થળ એટલે કે નિશાંત શર્ટ. વડીલો માટે ફોર્મલ કપડાની કાયમી વિશાળ રેન્જ તો ખરી જ, 28-50 સાઇઝની કમરની જીન્સ, ટ્રાઉઝર્સ વગેરે કાયમી માટે ઉપલબ્ધ હોય છે.